यहाँ पे बिरयानी ऐसे सर्व करते हैं, नीचे चावल। एक शॉप मिली है, फर्मेंटेड फिश रखी है सारी। देखो यार मेन टायर। हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ भाई। और ये पीछे वाले होटल से जस्ट चेकआउट कर रहा हूँ अभी। सुहाना मौसम और एक नई प्यारी सुहानी सी सुबह। मैं हूँ इस वक्त वायनाड में। वायनाड केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, तीनों बॉर्डर से टच है ये। एक साइड कर्नाटक है इसके मैसूर, एक साइड ऊटी है, ऊटी तमिलनाडु। और ये एक टूरिज्म प्लेस भी है, यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट स्पॉट भी हैं। लेकिन यार वो टूरिस्ट स्पॉट ना बहुत दूर दूर है भाई, बहुत दूर दूर। कैसे है यार, छा मैं हूँ ना, ये सेंटर है। अगर एक टूरिस्ट स्पॉट पे जाना है तो 20 किलोमीटर है। अगर मेरे को दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पे जाना है ना तो वापस यहीं आना पड़ेगा, फिर यहाँ से दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। ये सेंटर है और चारों तरफ फैला हुआ है, तो बहुत दूर दूर पड़ता है। इसलिए भाई मैं ज़्यादा कुछ गया नहीं घूमने के लिए, अपना रिफ्रेशमेंट पैकेज लिया रूम का और मस्त आराम से सोने लगा भाई 3-4 घंटे। उसके बाद फिर मैं उठा, मैंने कहा चलो यार अब चलते हैं, थोड़ा बहुत वायनाड को भी एक्सप्लोर करते हैं। ये व्यू देखो दोस्तों आप, ये कितना खूबसूरत है यार, है ना। और मौसम भी यहाँ का बहुत प्यारा है इस वक्त ना, बारिश का मौसम है। मतलब पूरे साउथ इंडिया में ही बारिश का मौसम है, केरला में थोड़ी ज़्यादा हो रही है, जब दिल करे जब बरस जाती है। तो फिलहाल तो मैं चलता हूँ आगे की तरफ, कुछ खाने पीने का देखता हूँ। नाश्ते में भी यार मैं सोचता हूँ कि नाश्ता करूँ, लेकिन वो मेरा लंच ही हो जाता है साथ में ना। मैं जो है ना पेट भर के खाना चाहता हूँ कुछ भी। देखना यार व्यू दोस्तों, अगर आप साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो ना, खास करके केरला में, तो आपको ना एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो ये कॉरिडोर को खाली रखते हैं एकदम बिल्कुल। ये देखो फुटपाथ को, पूरा कॉरिडोर खाली मिलेगा। दुकान इस कॉरिडोर पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, पूरा खाली। और साथ में ये ट्री प्लांट किए हुए, मतलब छोटे छोटे गमले भी लगाए हुए हैं इन्होंने। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ कॉरिडोर भर देते हैं और पब्लिक को चलने के लिए जगह नहीं छोड़ते, वो पब्लिक रोड पे चलती है, इसलिए एक्सीडेंट वगैरह भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉरिडोर खाली छोड़ते पब्लिक को चलने के लिए। चीज़ मैंने यहाँ पर काफ़ी जगह देखी है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। त्रिवेंद्रम, कोच्चि, कालीकट, मैंने काफ़ी जगह देखा है ये चीज़। बिरयानी होटल है कोई तो? बिरयानी, हाँ बिरयानी। उनको नहीं मालूम भाई हिंदी। दोस्तों चलते चलते मैं एक शॉप पर आ गया था, मेरे को ये रबड़ दिख रही थी। देखो यार ये रबड़ मेन टायर है, टायर का ही टायर मैकिंग सील मैट का। अच्छा मैट, अच्छा। तो ये जो रबड़ है ना ये प्योर नेचुरल है। प्योर नेचुरल, ये देखो आप, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई प्लास्टिक हो, लेकिन ये प्योर नेचुरल है। इसकी खेती होती है और यहीं पर, मतलब केरला में ज़्यादातर इसकी खेती होती है। रबड़ की एक ट्री होता है लंबा सा, उसमें चारों तरफ कट करके उसमें से दूध निकलता है, उसको इकट्ठा करता है, फिर ये रबड़ बनाई जाती है। और इससे ना गाड़ी के मैट, घर के मैट, टायर हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है यार। ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और ऐसे ही यहाँ पर, थैंक यू। और ऐसे ही यहाँ पर काली मिर्च की भी खेती होती है, और आपका लौंग और वो लकड़ी आती है ना वो सब्जी में डालने वाली, उसकी भी क्या बोलते हैं लकड़ी को यार, तेजपात जो भी है, मतलब तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों की खेती होती है। बहुत कुछ है यहाँ पर, यह केरला में ना बहुत कुछ है। कुछ लोग तो इसको बोलते हैं गॉड्स ओन कंट्री, गाड़ी पे लिख के भी घूमते हैं। फाइनली यार एक बिरयानी का होटल मिल गया है, और वो भी ऐसे देखो जंगल में। चीज़ देखो यार, ये जो ट्री होता है ये आपने देखा होगा, अगर कोई मेरे भाई बंधु हिल स्टेशन पर गए होंगे तो ये ट्रीज वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनको वहाँ ठंडी ठंडी हवा मिलती है इसलिए ये ग्रो करते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर भी मौसम ठंडा होता है बारिश के टाइम पे, तो इसलिए ये उग गए महाराज ये भी। चम्मच चाहिए? हाँ चम्मच दे दो। तो ये मेरी बिरयानी है, यहाँ पे बिरयानी ऐसे सर्व करते हैं, नीचे चावल,
बीच में करी और ऊपर राइस, मतलब नीचे राइस बीच में करी डाल दी फिर ऊपर से राइस, तो ऐसे डाल के बॉल में करके फिर प्लेट में डाल देते हैं दो बिरयानी। अब मैं खाता हूँ फिर बाहर मिलता है आपसे। मैं बिरयानी खा के आ रहा था और रास्ते में देखो मेरे को क्या एक शॉप मिली है, ये देखो। क्या नाम है भैया आपका? नाम मुजीब रहमान। मुजीब रहमान, और इनके पास ना फर्मेंटेड फिश रखी है सारी, देखो यार ये अलग अलग किस्म की फर्मेंटेड फिश है, ये टुकड़े भी हैं। ये कितने दिन तक रख सकते हैं इसको ऐसे, मतलब अच्छा भी 6 महीना 1 साल ज़्यादा? मतलब भैया कह रहे हैं कि इनको हम 1 साल से भी ज़्यादा तलक ऐसे ही रख सकते हैं। ये नमक लगा के रखा है? नमक सॉल्ट सॉल्ट। और ये कौन सा है? ये वज्रा करवाड़ है। वज्रा किंग फिश। अच्छा नाम क्या है? मेरा अजरुद्दीन। अजरुद्दीन जी रहमान। वालेकुम सलाम। दिल्ली। तो ये मैंने ना पहली बार देखी है कि फर्मेंटेड फिश कैसे रखी होती हैं। मतलब मैंने उनसे थोड़ा बहुत पूछा तो उन्हें ज़्यादा हिंदी तो आती नहीं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि जाती, 1 साल बोला तो जाती बोल दिया कि ज़्यादा रख सकते हैं इसको। साउथ में ट्रैवल करता हूँ ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें अलग देखने को मिलती हैं भाई, बहुत सारी। ये फ्रूट कौन सा है? हाँ ये रंबुटान सही। अच्छा लीची नहीं है। दिखाना। हाँ 10 रुपीस लाइक दिखाना खाली वीडियो में। ये देखो दोस्तों ये एक फ्रूट है, रंबुटान इसका नाम है। शुक्रिया। ओके रंबुटान बता रहे हैं इसको, और ये ना लीची की तरह है कुछ कुछ दिखने में, तो वही मैं बता रहा था कि अगर साउथ में ट्रैवल करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग देखने को मिलती हैं। कल एक बंदा चिप्स बना रहा था, घीये जैसा कोई फल था बड़ा, उससे चिप्स बना रहा था। अब मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा मैं आ जाऊँगा वीडियो बनाऊँगा क्योंकि कल तो मैं लेट हो गया था, फिर वो मिला नहीं यार, वरना मैं आपको वो भी दिखाता। इतना बड़ा फल था तकरीबन 1 से 1.5 फीट का और मोटा उस। तो अभी बस टर्मिनल आ गया, मैं बस टर्मिनल की तरफ चलता हूँ और यहाँ से मालूम करता हूँ कि मेरे को उडुपी की बस कब तक मिल जाएगी और किस टाइम तक अवेलेबल रहेगी लास्ट बस, वही सब मालूम करता हूँ। ये बस टर्मिनल है। तो दोस्तों ये जो पीछे बस खड़ी है ये जाएगी गुंडलपेट, वहाँ से मैं उडुपी की बस लूँगा। उडुपी के लिए मुझे वहाँ से बस मिलेगी डायरेक्ट, यहाँ से रात की बस है। 12:45 पे स्टार्ट होगी, अभी तकरीबन 12:15 हो रहे हैं और जब पहुँचूँगा तो बाकी सारी बातें वहाँ पहुँच कर आपसे करूँगा। ये ऐसी बस होती हैं यहाँ की ना, केरला की गवर्नमेंट बसेस ऐसी होती है दिखने में, सिमिलर एज हरियाणा रोडवेज बस, उसमें दो दो सीटें होती हैं, इसमें 3 सीट और 2 सीट ऐसा सिस्टम है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं गुंडलपेट, इस जगह का नाम है, मैसूर से पहले पड़ता है थोड़ा। यहाँ भी झमाझम बारिश हो रही है। 65 किलोमीटर पड़ा था मेरे को सुल्तान बटेरी से। मैं चलता हूँ एक चाय पी लेता हूँ, स्नैक्स खा लेता हूँ थोड़ा सा, और फिर देखता हूँ आगे के लिए कैसे जाया जाएगा। यार दोस्तों यहाँ से मैं बस ले रहा हूँ मैसूर के लिए, मैसूर से मेरे को उडुपी की बस मिल जाएगी। ये बस है, ये मेरे को मैसूर छोड़ देगी। मैसूर पहुंच गया मैं, बस स्टैंड पर बैठा हूं अभी। देखो
ये बस टर्मिनल है। और अब मैं बात कर लेता हूँ इस मिठाई के बारे में। ये देखो तो ये है मैसूर पाक, इसको मुंह में रखो। खड़ास घुल गई, मतलब मुंह में रखते ही ये घुल जाती है। ये यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, इसकी हिस्ट्री है। ये 1935 में यहाँ के जो राजा थे, कृष्णा राजा फोर्थ, उन्होंने एक कॉम्पिटिशन रखा, सभी हलवाइयों को बुलाया कि जो मुझे एक अच्छी मिठाई बना कर खिलाएगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो एक हलवाई था, उसने ये मिठाई बना के खिलाई उनको और उनको इतनी पसंद आई कि उसको मुंह मांगा इनाम मिला। जी हाँ दोस्तों, और ये सच, आप विकीपीडिया पर भी सर्च कर सकते हैं इस बात को। तो भाई मेरी जो है बस की टिकट बुक हो गई है, 10:45 पर यहाँ बस आ जाएगी और फिर मैं उसमें बैठ के उडुपी चला जाऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ मैसूर पैलेस। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ मैसूर पैलेस के पास। ये देखो आप, ये मैसूर पैलेस है, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत बड़ा। अभी फ़िलहाल ये क्लोज़ हो गया क्योंकि कल मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, कोई फंक्शन वगैरह है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ आपको, ये 1892 में बनना स्टार्ट हुआ था। कृष्णा राजा जो थे उन्होंने ये बनवाना स्टार्ट करवाया था और ये 1912 में फिनिश हो गया था पूरा। मैसूर पैलेस कर्नाटक के मैसूर शहर में है ये, और मैसूर शहर के बिल्कुल सेंटर में ये मैसूर पैलेस स्थित है। और यहाँ का व्यू देखो आप, चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में ये मैसूर पैलेस बसा हुआ है मैसूर शहर के। बहुत खूबसूरत है। इसकी जो डिज़ाइनर है ना दोस्तों, वो भी इंग्लैंड की है, इंग्लैंड की डिज़ाइनर थी, और जो सिविल इंजीनियर थे वो अपने इंडिया के थे। बाकी इसके क्लोज चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, ये मैसूर पैलेस है, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ऐसा लग रहा है यूरोप का कोई किला हो, बहुत प्यारा है। और पास जाके वीडियोग्राफी करने नहीं दे रहे क्योंकि भाई कल मोदी जी आ रहे हैं, इसलिए वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, वीआईपी मूवमेंट है। पूरे में सीसीटीवी फिक्स हो रहा है, देखो ये इतने पोल्स हैं सबके ऊपर सीसीटीवी फिक्स हो जाएंगे। और यार एक और चीज़, एक ऊपर चामुंडा मंदिर है, वहाँ पे यार चंदन की लकड़ी है देखने के लिए, पूरे पूरे पेड़ हैं। अगर मेरे पास टाइम होता मैं पक्का जाता यार वहाँ पे, ये मैं बता रहा हूँ। और आप लोग मैसूर आओ ना तो मंदिर पे ज़रूर जाना, वहाँ पर आपको चंदन की लकड़ी देखने को मिल जाएगी दोस्तों।